बिग बॉस 13 के घर में इस समय केवल दो ही लोग नजर आ रहे हैं, एक राखी सावंत और दूसरे विकास गुप्ता। राखी सावंत जो कि जूली बनकर घर वालों को परेशान कर रही हैं, तो वहीं विकास गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ के राज खोलकर खलबली मचा रहे हैं। बिग बॉस 14 के घर में दोबारा एंट्री लेने के बाद विकास गुप्ता बार बार उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बाहर आ जाने से वो डरते थे। कुछ समय पहले ही विकास गुप्ता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था, उसके बारे में बात करते हुए विकास गुप्ता रो पड़े थे। और अब माँ और भाई के रिश्ते का विकास गुप्ता ने ऐसा सच बताया जिसे जानकर हर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। विकास गुप्ता ने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में खुलकर बात करते हुए बताया कि उनकी माँ किस वजह से नाराज है। विकास गुप्ता ने दावा किया है कि उनकी माँ इस बात से नाराज हो गई थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बाइसेक्सुअलिटी होने की बात कही थी। माँ नहीं चाहती थी कि बेटे की ऐसी धज्जियाँ उड़े, लोग बेटे को गलत नजर से देखें, लेकिन विकास गुप्ता ने खुद ही अपनी ऐसी इमेज बनाई जिसके बाद माँ ने विकास गुप्ता से रिश्ता तोड़ लिया। इस बीच विकास गुप्ता ने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ गुप्ता पर भी सनसनीखेज आरोप लगा दिए। विकास गुप्ता ने खुलासा किया कि भाई की वजह से माँ और उनका रिश्ता खराब हुआ। ये बात करते हुए विकास गुप्ता रो पड़े। बिग बॉस 14 के बीते एपिसोड में विकास गुप्ता दुश्मन अर्शी खान से बात करते दिखे। इस दौरान विकास गुप्ता ने कहा कि यहाँ आकर महसूस हो रहा है कि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने अपने छोटे भाई से भी बहुत प्यार किया और यही मेरी गलती हुई, उसने मेरी माँ को छीन लिया। जी हाँ, विकास गुप्ता ने अपने छोटे भाई पर ऐसे गलत इल्जाम लगा दिए। विकास गुप्ता ने कहा कि मेरे पापा 30 साल तक मेरे साथ नहीं थे, ये सब होने के बाद वो मेरे पास आए, वो ये देखने आए कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे मेरे भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी और भाई से ज्यादा तो मुझे माँ का दुख है जो बिना कुछ सोचे समझे मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर अर्शी खान ने विकास गुप्ता से कहा कि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानती, जितनी बार भी तुम्हारी माँ ने मुझे फोन पर बात की उन्होंने हमेशा यही कहा कि विकास गुप्ता बिग बॉस 11 के बाद बदल गया है। ये बात सुनकर विकास गुप्ता ने कहा कि तुमको धक्का देने के बाद मैं एलिमिनेट हो गया था, जिसके बाद मैं अपनी माँ से मिलने गया था, लेकिन विकास की माँ अपने बेटे से नहीं मिली। जी हाँ, विकास ने खुद बताया कि मेरे घर में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, लेकिन किसी ने भी मुझे उस पार्टी में नहीं बुलाया। ऐसा लग रहा था कि मैं अब बाहर का इंसान हो गया हूँ, वो मेरा परिवार ही नहीं रहा। मेरी माँ मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आई, जबकि वो देहरादून से वापस आ गई थी। ये बात करते हुए विकास गुप्ता की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। विकास और उनकी माँ के बीच की जो भी लड़ाई है वो तो अभी समझ आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई सालों से माँ बेटे के बीच दूरियां आ चुकी हैं। इनकी वजह जानकर हर कोई शॉक रह गया जब माँ ने खुद अपने बेटे की बॉडी की असलियत बताई। जी हाँ, विकास की माँ शारदा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने विकास को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। विकास गुप्ता की माँ शारदा ने अपने पोस्ट में लिखा, ये सोचना कि विकास बाइसेक्सुअल होने की बात पब्लिश होने के बाद हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो ये गलत है, मेरे परिवार के लिए अपमानजनक बयान है। माँ ने कहा, हाँ ये सही है, मेरे और मेरे बेटे के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन इसका उसके खुलासे से कोई लेना देना नहीं है। जब उसने पब्लिक में अपने बाइसेक्सुअल होने की सच्चाई बताई, हम उससे पहले ही अपने बेटे के साथ रिश्ता तोड़ चुके थे, हम उसके बारे में सच्चाई जानते थे, लेकिन फिर भी हम उससे हमेशा प्यार करते थे, उसे वैसे ही अपनाया जैसा वो है। माँ ने आगे लिखा, हमने उससे दूरी बना ली क्योंकि हम मीडिया के सामने उसकी इमेज नहीं खराब करना चाहते थे। माँ ने आगे कहा कि हमने तो उसे इज्जत दी, लेकिन वो हमें शांति से जीने नहीं दे रहा, एक परिवार होने के नाते ये हमारी हार है। मेरी तरफ से ये मेरा पहला और आखिरी बयान है क्योंकि बात बढ़ा कर मैं ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी बात समझें और हमारी प्राइवेसी की इज्जत करें। तो विकास और उनकी माँ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अपने तीखे बयानों से अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देने वाली राखी सावंत आज भले ही हंसती रहती हूँ, हर परेशानी का डट के सामना करती हूँ, भले ही लोग उन्हें ड्रामा क्वीन कहते हो, ड्रामेबाज बोलते हो, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि राखी को ये सब करने पर मजबूर किया गया।
इस वक्त आप बिग बॉस में राखी सावंत का असली चेहरा सही तरीके से देख पा रहे होंगे। जहां राखी शो के लिए ड्रामा तो कर रही हैं, लेकिन असलियत में वो कैसी हैं, वो भी सबको दिख रहा होगा। राखी ने किसी को अब तक हर्ट नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि वो अपनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि राखी खुद टूटे दिल की हैं। राखी के दिल और दिमाग पर इतने जख्म हैं जिनके घाव को आज भी नहीं भरा जा सकता। एक बार फिर राखी बिग बॉस में अपनी मारपीट और टॉर्चर के दिनों को बताकर रो पड़ी। राखी की आंखों में साफ साफ सच्चाई दिख रही थी। राखी ने राहुल वैद्या को बताया कि उनके पापा और मामा उन्हें बेल्टों से मारते थे। इतना मारते थे कि राखी के शरीर में निशान बन जाते थे, उनके सिर पर टाके भी आ जाते थे। राखी अपने टाके राहुल वैद्या को दिखाती हैं। राखी कहती हैं कि वो कहाँ टूट फूट रही हैं, वो सिर्फ महसूस करती थी, लेकिन मारने वाला अपना हाथ नहीं रोकता था। राखी को इसलिए उनके पापा मामा और रिश्तेदार मारते थे क्योंकि वो नाचती थी और अपना पेट भरती थी। उनके घर में खाने को खाना नहीं हुआ करता था, तो वो स्टेज पर नाचती थी, अपनी अदाएं दिखाती थी, लेकिन ये सब उनके परिवार के खिलाफ था, इसलिए राखी मार खाती थी। राखी इससे पहले यही बात इंटरव्यू में बता चुकी हैं। हम आपको राखी का वो इंटरव्यू भी दिखाएंगे जिसमें राखी ने बताया था कि वो परिवार का टॉर्चर ही नहीं झेलती थी, बल्कि इंडस्ट्री के गंदे बर्ताव से भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने सर्जरी कराई, फिर वो बॉलीवुड में आ पाई। राखी ने बताया कि यहाँ आने के लिए उन्होंने अपना नाम तक बदल दिया था। आइटम गर्ल राखी सावंत अक्सर अपने तीखे जवाबों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। लोगों को लगता है कि राखी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसती हैं। लेकिन असल जिंदगी में राखी को ऐसे जवाब देने पर मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। इंडस्ट्री में उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया कि आज जब वो किसी के साथ ऐसा देखती हैं, तो खुद को रोक नहीं पाती हैं और तीखे जवाब दे डालती हैं। राखी चाहती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो, इसलिए वो जवाब देने से पीछे नहीं हटती हैं। एक तो राखी ऐसे घर में पैदा हुई है जहां उन्हें आस पड़ोसी का फेंका हुआ खाना बीन कर खाना पड़ता था। अब आप समझ सकते हैं कि जिस लड़की को एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल था, वो एक्टिंग क्या जानेगी। गरीबी से निकलकर राखी ने हीरोइन बनने का सपना देखा, लेकिन इस गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद राखी ने जागरण में नाचना शुरू कर दिया। राखी के नाचने से उनके परिवार वालों ने उन पर उंगली उठाई। उनके मामा ने उन्हें इतना मारा कि राखी की बॉडी पर चोटों के निशान बन गए थे। इतना ही नहीं, उनके पापा ने तो राखी से दूरियां भी बना ली थी। बेटी कहाँ किस हाल में जी रही है, पापा ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए। फिर राखी हीरोइन बनने के लिए रात में ही घर से बाहर निकली थी। मुंबई पहुंची तो वहां जिसके पास वो काम के लिए गई, वो अंदर से कमरा बंद कर लेता था और उनका फायदा उठाने की कोशिश करता था। कई लोगों से राखी जान बचाकर भागी। कुछ प्रोड्यूसर ने तो राखी की बॉडी पर गंदे सवाल किए, उनकी टी शर्ट पर हाथ रखकर गंदी तरह से बॉडी छूते थे। इसके बाद राखी को अपनी सर्जरी तक करानी पड़ी। कई रिजेक्शन के बाद राखी को काम मिलना शुरू हुआ और उन्होंने देखता है तू क्या छप्पन छुरी लूट लो जैसे कई आइटम सॉन्ग्स में काम किया।